लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने जोरों पर हैं और इसी के चलते भाजपा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता और युवा मोर्चा के अध्यक्ष पूनम महाजन ने उन्हें हिटलर और अराजक करार दे दिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि संविधान खतरे में है और ऐसी बात करने वाली पार्टियां अपने राज्यों में संविधान की ही धज्जियां उड़ा रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता का मीम बनाने वाली प्रियंका शर्मा को समाजसेवी करार देते हुए पूनम महाजन ने कहा कि एक युवा लड़की को अभिव्यक्ति पर जेल में डाल दिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने अपील तक नहीं करने दी गई। हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने खास बातचीत की पूनम महाजन से, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। पूनम महाजन, उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से आज प्रियंका शर्मा को बेल मिला, क्या मानते हैं आप? उनको बेल नहीं मिली है, वो रिलीज हुई है। मैं फिर से एक बार कहती हूँ, प्रियंका शर्मा शुड बी इमीडिएटली रिलीज। सो उनको बेल नहीं मिली, उनको रिलीज करने कहा गया है। उन पे प्रेशर रखा है सरकार पे कि उनको आज के आज रिहा करे, तो मैं कहना चाहती हूँ और मैं खुश हूँ। लेकिन हाँ, उसमें और एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, माफीनामा। वो थोड़ा एक सवालिया निशान खड़ा करता है, बट मैं सोचती हूँ उस पर हम कंटेस्ट करेंगे आगे जाके, आने वाले समय पर इस केस को आगे बढ़ाना है। बट आज प्रियंका निकल रही है जो ममता दीदी के अराजक पश्चिम बंगाल में, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जेल में सड़ रहे हैं, उसमें से एक हमारी प्रियंका भानु। एक सीएम का इस तरीके से मीम बनाना, क्या आप उचित मानती हैं या ये मान रहे हैं कि ये सीएम पीएम मैं कोई भी हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं जाके आपको एक ताकत मिलती है। मैं तो, मुझ पर हजारों मीम बनते हैं और मैं उसको हंस के टाल देती हूँ। मुझे लगता है एक स्वभाव होना चाहिए, एक अनुराग होना चाहिए आप में, एक ही जब आप नेतृत्व लेते हैं तो आपको ये भी सहन करने की ताकत होनी चाहिए कि समझो आपको लोग प्यार भी करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके सवाल भी। ऐसे एक युवा ममता जी के बारे में मैं तो आपको 100 ऐसे जवाब दे सकती हूँ। एक ऐसा युवा किसान भी है जिसने सिर्फ सवाल पूछा कि सरकार में ठीक नहीं चल रहा है तो उसको जेल में ढकेल दिया, तो ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी का मीम बना था पश्चिम बंगाल में, एक लड़की ने प्रियंका शर्मा जो कि बीजेपी की नेता है, उन्होंने मीम बनाया था, उसको लेके 10 दिन की हिरासत के लिए भेज दिया गया था। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद उनको रिहा कर दिया गया है इमीडिएटली, और साथ में कंडीशनल जो है माफीनामे की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बीजेपी से ये कहती है कि माफीनामा और बेल नहीं है, ये तुरंत रिलीज करने की बात की थी। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV दिल्ली।